हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इस 39 डेज की सीरीज में आज हमारा 18वां दिन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आज का जो कुछ रहेगा, कुछ करंट अफेयर भी है जो स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा, जो मध्य प्रदेश के लिए रहेगा। दो तीन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वहाँ पे। तो सबसे पहली बात, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया था, आप लोगों से पूछा भी था कि देशांतर में कौन सा समास होगा। तो एकदम परफेक्ट आंसर दिया है काफी लोगों ने, वेल डन, कीप इट अप, ऐसे करके रखिए, बहुत बढ़िया है ना। तो इसका आंसर जो आएगा वो आप लोगों ने तत्पुरुष समास दिया था, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो एक और मैंने मेरे से कल यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, इसको सही कर लीजिए। हालांकि जो आप लोगों ने किसी ने मुझे जो बताया भी था यहाँ पे, है ना, उनका उनका बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ पे कि उन्होंने इसको सही कर पाया यहाँ पे। तो यदि पूछिएगा कि जो लाइम स्टोन होता है ये कौन सी रॉक का एग्जाम्पल होता है, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, तो ये कौन सी रॉक का एग्जाम्पल होता है, सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल होगा। हालांकि मैंने जो कमेंट वगैरह थे ना, जो मैसेज मैंने पिन भी कर दिया था, तो आप लोग मैसेज पिन जो मैं करता हूँ उसको भी आप लोग देख लीजिए, करिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम इसको ध्यान रखना, लाइमस्टोन किसका होगा, सेडिमेंटरी रॉक का एग्जांपल होगा। चलिए आगे चल के हम बात करते हैं आज का हमारे सेशन का फर्स्ट नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार एकदम धांसू क्वेश्चन है यहाँ पे, कि कौन सा जिला गेहूं और आटे की प्रमुख उत्पादकों में से एक है यहाँ पे, है ना। मतलब एक जिला है पर्टिकुलर, जो यहाँ पे जो भी उसको उत्पाद वगैरह बनाए जाते हैं पर्टिकुलर गेहूं के, तो वहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं, रायसेन जिले में बनाए जाते हैं। रायसेन को जरूर ध्यान रखना यहाँ पे, है ना, जो भोपाल के पास ही आता है। सेकंड नंबर के लिए हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो करंट से मैंने उठाएगा यहाँ पे, अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार ने 4,000 से बढ़ाकर कितने रुपए दिए जाएंगे वहां पे, है ना। तो पहले क्या थे, क्या थी कि इसकी मतलब एक प्रकार से मतलब प्रधानमंत्री जो किसान कल्याण योजना थी, इसके अंतर्गत 4,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन 4,000 को बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 6,000 रुपए कर दिया गया है, जो मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्कीम को जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 22 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 2,000 रुपए इसको और यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। पहले तो 4,000 रुपए दिए जा रहे थे, 2,000 रुपए और बढ़ाए, मतलब टोटल कितने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, 6,000 रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो देखो, ये बात करेंगे कि 22 सितंबर 2020 को इस स्कीम को लॉन्च किया था किसान कल्याण योजना, इसके तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त जाना शुरू हो जाएगी। तो ये तो प्रीवियस तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी लोग अभी आप लोगों को ये वाला डाटा आप लोगों को एकदम बढ़िया सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ता है एकदम धांसू तरीके से। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी, तो ध्यान रखना है। यदि हम बात करेंगे जिसका नाम क्या होगा, सोनल मिज की हम बात करेंगे। मतलब यहाँ पे हॉकी हुआ था, मध्य प्रदेश के बीच हुआ था और महाराष्ट्र के बीच हुआ था, तो इसमें से जो मध्य प्रदेश की जो हॉकी टीम है, यदि उसके कप्तान की बात करेंगे जिसका नाम था सोनल मिज पर्टिकुलर, तो इनको यहाँ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। हॉकी मध्य प्रदेश में फाइनल में किसको हराया था, महाराष्ट्र को हराया था 5-0-1 से। 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 की चैंपियन यहाँ पे बनी, इतना ध्यान रखना है आपको। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सोनल मिज का आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन में 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर थे वो कौन थे, उसका नाम क्या था, सोनल मिज। किसको हराया था, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को यहाँ पे हराया था, बस इतना से ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है यहाँ पे। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मुरैना की गजक, देखो गजक की आपने खाई भी होगी ना, बहुत अच्छी लगती है गजक वहाँ पे, है ना, आपने बहुत टेस्टी किया होगा इसका, काफी अच्छी लगती है। तो मुरैना की जो गजक, और यदि हम बात करेंगे मैंगो की एक वेरायटी होगी जिसे हम जिसका बात करेंगे जिसका नाम क्या होता है, सुंदर जा, इस वेरायटी का नाम क्या होगा, सुंदर जा वेरायटी होगी, सुंदर जा, है ना। तो मैंगो की वैरायटी ध्यान रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी हाल ही में मध्य प्रदेश में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो आम की कौन सी जो किस्म होगी कि जिसको जीआई टैग दिया गया था, तो सुंदर जा को दिया गया था। ये कहाँ पे दिया गया था, रीवा के जो गोविंदगढ़ होगा वहां पे इसको दिया गया था। तो लिख लो बढ़िया सा, रीवा के गोविंदगढ़, रीवा के गोविंदगढ़ को लिख लीजिए, ठीक है। तो ये तो हमारे एमपी जीके के 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे। चलिए आगे चल के भी हम बात करेंगे कुछ साइंस के फैक्ट के लिए, हम बात करेंगे कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो उसका जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होता है, एक प्रकार से डायोप्टर होगा यहाँ पे,
जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो उत्तल लेंस होता है इसका उपयोग किस लिए करते हैं ना, और जो अवतल लेंस होगा इसका उपयोग किस लिए करते हैं। तो अवतल लेंस का उपयोग किस लिए करते हैं, पर्टिकुलर जिसको निकट दृष्टि डोज होता है उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और उत्तल लेंस के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिसको दूर दृष्टि डोज होता है। ध्यान रखना इसको, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं नोट किया तो नोट कर लो। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। उसको इस प्रकार से भी डिनोटेट किया जाता है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना, आगे चल के भी हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो SI इकाई होगी इसका नाम क्या होगा, जिसका नाम क्या होता है, टेस्ला होगा, जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा, कि जो कार्य का जो मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है यहाँ पे, है ना। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। यदि भूल जाओ तो इसको काजू से याद रख लेना, है ना, काजू खाते हैं ना आप लोग, बिल्कुल ऐसे काजू से, है ना। तो कार से क्या हो जाएगा, कार्य, और जू से क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाता है यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चल के हम बात करेंगे, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट टाइम मैंने एक MCQ भी डाला है, आप लोग लगाइएगा। सबसे पहले ये हम बात करेंगे, एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है ना। एक हॉर्स पावर जो होगा वो कितने वाट के बराबर होगा, तो 746 वाट के बराबर होता है, जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। देखो आज के हमारे साइंस का जो फैक्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो इसको लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ना वहां पे, ठीक है। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, तो एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को इसको कमेंट में ड्रॉप करना है, बाकी जब कल मैं मिलूंगा तो इसका आंसर भी बताऊंगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन रेट, है ना, कि जो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन रेट होगी इसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हिंदी में बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय विकिरण का माप की इकाई क्या होगा, वाट वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या आइंस्टीन होगा, या फिर मिलीग्राम होगा यहाँ पे, है ना। तो ये सेशन हमारा एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम धांसू तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होगा। जरूर से इसका आंसर दीजिए, यदि सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली इसको लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों को जो एग्रीकल्चर वाले हैं उसको आप लोग सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, शुभ रात्रि सभी लोगों को।